तो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी एसी ब्लॉक जो है वो 3 साइज में अवेलेबल है और ये रेड ब्रिक्स एक ही साइज में अवेलेबल है। तो इसका स्पेसिफिकेशन जो है दोनों का अलग अलग है। तो स्टार्ट करते हैं एसी ब्लॉक से। एसी ब्लॉक में जो इसमें जो मटेरियल यूज किया है वो फ्लाई ऐश है, वाटर और केमिकल, मतलब एयर इंटरिंग केमिकल जो यूज करते हैं इसमें एयर पास, इसके मिक्सचर में एयर पास होने के लिए। और रेड ब्रिक्स में जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रहता है वो लोकली अवेलेबल जो क्ले रहता है वही यूज करते हैं। उसके बाद इसका साइज साइज जो है, तो इसका जो साइज रहता है वो अभी तो ये 600 का साइज है। तो इसका अवेलेबल साइज जो है ऐसा लेंथ में जो है 600 है, ऐसा डेप्थ में जो है ये 200 तक ही रहता है, और ऐसा विड्थ में जो है तो वो 100 mm से 300 mm तक मिलता है। और इसका जो साइज रहता है रेड ब्रिक्स का 225 mm ऐसा लेंथ में, इसका जो डेप्थ रहता है ऐसा वो 75 mm, और इसका जो साइज ऐसा रहता है वो 100 mm से 150 mm तक अवेलेबल है। में वेरिएशन जो रहता है वो 1.5 mm तक ही, मतलब प्लस माइनस 1.5 mm रहता है। और इसका जो वेरिएशन साइज में रहता है वो 5 mm प्लस माइनस रहता है। इसका एसी ब्लॉक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन जो है वो आईएस कोड के अनुसार 3 से 4 Nm² रहता है। और रेड ब्रिक्स का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है वो 3 to 5 Nm². ड्राई डेंसिटी इसका एज पर आइस कोड 550 to 650 तक केजी 650 kg पर m³ रहता है। और इसका जो है 1800 kg पर m³ डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी इसका रहता है। इसका बेसिकली यूज इसको हाई राइज बिल्डिंग में ही करते हैं एसी ब्लॉक, क्योंकि वर्क इसका जो वर्क स्पीड है उसका भी इसका जो वर्क स्पीड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स। और ये जो है इजीली लोकल जो रहता है लोकल मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो इसको स्मॉल बिल्डिंग एंड बंगलोज भी यूज करते हैं। क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं एंड तक एक ही यूज करते हैं। और इसका रेड ब्रिक्स का कैसा रहता है वो क्ले अलग अलग रहता है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल जो है वो चेंज होता है, उसके हिसाब से इसका क्वालिटी भी चेंज हो जाता है। इस सिलेंड्रिकल वर्क जो रहता है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप जहाँ पर रहेगा बिल्डिंग का, वहाँ पर एसी ब्लॉक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो सिलेंड्रिकल शेप में इसको नहीं बिठा सकते। सिलेंड्रिकल शेप बिल्डिंग में रेड ब्रिक्स को इजीली बिठा सकते हैं क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, इसलिए वो बिठा सकते हैं। इसका साउंड एब्सॉर्बन एसी ब्लॉक का साउंड एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। इसका जो रेड ब्रिक्स का साउंड एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो रहता है वो नॉर्मली रहता है। एसी ब्लॉक का जो इंटरनल प्लास्टर है वो थिकनेस सेम ही रहता है और मिनिमम रहता है। इसका रेड ब्रिक्स का जो थिकनेस प्लास्टर का थिकनेस रहता है एक्सटर्नल इंटरनल वो ज़्यादा रहता है क्योंकि सरफेस अनइवन होता है, उसका साइज में भी ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इसके लिए इसका थिकनेस अनइवन और ज़्यादा रहता है। एसी ब्लॉक में जॉइंट्स ज़्यादा नहीं रहते एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स, एंड मोर्टर भी कम लगता है इसको।
और इस रेड ब्रिक्स में कैसा रहता है, जो जॉइंट ज़्यादा रहता है तो मोर्टर ज़्यादा रहता है, मोर्टर भी ज़्यादा लगता है। तो इतना था एएससी ब्लॉक का एंड रेड ब्रिक्स का अलग अलग स्पेसिफिकेशन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।